एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बताते हैं आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर। क्या कुछ बड़ी खबर है बताते हैं आपको। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल की बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीएम ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है। पराली प्रबंधन और एचटेट परीक्षा के मुद्दे पर बातचीत हुई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में मौजूद रहे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जनता टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बैठक की ये बात की तस्वीर और क्या कुछ कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला, ये भी सुन लीजिए जरा। सबसे पहले तो एचटेट का एग्जाम जो कंडक्ट होना है उसको स्मूथली कंडक्ट कराया जाए। जो छोटी छोटी समस्याएं पिछले सालों में आई है उन सब के ऊपर चर्चा हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर चर्चा हुई है। 6 पॉइंट्स थे, उन तमाम पॉइंट्स को सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट किया जाए, ये बैठक का हिस्सा। एचटेट के अंदर जहाँ पिछली बार कोई मंगलसूत्र की बात आई थी, कोई ईयरिंग की बात आई थी, कोई चूड़े की बात आई थी, वो डायरेक्टर से भी चर्चा हुई है। और उसके अंदर क्योंकि अच्छी मात्रा में 370 के आसपास अलग अलग सेंटर्स के ऊपर ये परीक्षा होगी, तो इन तमाम विषयों को गंभीरता से सिक्योरली, चीटिंग ना हो, ये तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने का आदेश अलग अलग नोडल ऑफिसर्स बना कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है कोई ज़्यादातर। पराली के लिए तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है और उसके अंदर एक एक स्टबल का जो भी जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी अलग अलग एरिया में जाने की, उसके लिए पंजाब की भी, हरियाणा की भी, राजस्थान की अलग अलग एजेंसीज के साथ टाई अप किया है कि पराली जले ना उसको प्रॉपरली परचेज किया। कल 12:30 मिलते हैं। तो हरियाणा से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक खत्म हो गई है। तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की, प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में मौजूद रहे। एचटेट की परीक्षा को लेकर भी बातचीत इस बैठक में की गई कि पिछली बार की तरह जो छोटे मोटी समस्याएं इस परीक्षा में आई थी उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इस पर निष्कर्ष निकाला गया है। साथ ही साथ पराली प्रबंधन को लेकर बातचीत हुई। ये भी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए कि पराली प्रदेश में ना जलाई जाए, सुनिश्चित किया जाए कि उसको खरीदा जा सके।